सब्जी मंडी नया पुल चौक से बदीनी स्टॉप जाने वाली अहम शाहरा की हालत इजार अरसा दराज से अबतर है। मस्कूरा सड़क शदीद टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज का गंदा पानी भी शहरियों और इलाका मकीनों की अजियत में दिन ब दिन इजाफा कर रहा है। नहले पे दहला ये है कि सड़क पर गहरे गड्ढे भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वाजह रहे कि मस्कूरा सड़क दीगर अहम इलाकों में जाने का भी अहम रास्ता है, मगर इस अजियत की वजह से अवामुन्नास अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, क्योंकि इन गहरे गढ़ों की वजह से यहाँ ख़तरनाक वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। अवामुन्नास ने उकामे वाले से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, ताकि वो सुख का सांस ले सकें। ये भाईजान हमारी मजबूरी है जो हम इस तरफ आते हैं, वरना इस रोड की हालत ऐसी है, अल्लाह हमारे दुश्मन को बचाए। हमारी मजबूरी है, बच्चों के लिए रोजी कमानी होती है, इसलिए मजबूरन हमें इधर आना पड़ता है, वरना हालत इतने ख़राब है रास्ते के बस अल्लाह माफ़ी दे। गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एहसास नहीं है चीज़ का कि भाई ये मेन रोड है, लोग कितने परेशान होते हैं, एहसास किया जाए, बिल्कुल एहसास नाम की कोई चीज़। ये कम से कम 10 साल का अरसा हो गया, कम से कम बनाया है, ये पैसे खाने वालों ने खा लिया और इसको इस तरह से छोड़ दिया बेहाल। इनका कोई सवाली बारिश नहीं है, 10 दफ़ा कहते हैं कि भाई इसको देखो, गटर के मुंह टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल से जाते हैं वो गिर रहे हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो स्कूल से बच्चे जाते हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसका कोई मतलब वो नहीं है कि कोई आकर के देखे और इसको सही कराए, बस खाने लूट खसूट में लगे हुए हैं कि हमें पैसा मिले, ठेका मिले और हम ये काम कराएं। बात ये चल रही है, पैसे खाने वाले हराम खाने वाले खा रहे हैं, ना उन्हें कब्र का डर है ना आखिरत की फिक्र है, बस उन्हें वोट चाहिए, इंतजार चाहिए और वो मज़े करें बस कि हम अब जिना ये काम करें और इस तरह से हम मुल्क को लूटें और गरीब परेशान करें, गरीबों को महंगाई हद से हद बढ़ गई है, कोई पूछने वाला महंगाई का नहीं है। भिंडी 100 रुपये वो हो गई है किलो, कौन लेगा गरीब आदमी, जिसको 600 रुपये तनख्वाह मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, वो क्या कमाएगा। वालेकुम भाईजान, ये सब्ज़ी मंडी से ले गए मोहम्मदी चौक तक का जो मसला है ये पानी का, ये बड़ा परेशान कर रहा है, ये दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी है। हमारी खुद यहाँ दुकान है, सामने गली से पानी आता है, ये पूरे रोड को परेशान कर रहा है, इसकी वजह से दो बंदों की वजह से ये परेशानी बन रही है। इसका मसला प्रॉपर हल कराया जाए, हमारी ये दरख्वास्त है मेयर से, हैदराबाद से, वासा से, ये मसले का प्रॉपर हल किया जाए, इसको जिसकी वजह से नमाजी हो गए, मैयत हो गए, 2 मस्जिदें हो गई, इसकी वजह से बड़े मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों में झगड़े हो रहे हैं पानी की वजह से, ये मसला हल कराया जाए। इसको ऐसे ही देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी है सारे डकैत चोर हैं, सब जिसको पैसा मिलता है अपने पेट भरने ही करता है, कभी किसी ने आवाम का साथ नहीं दिया। हमारे मेन होल बंद पड़े हुए हैं और ये माना कोई इतना में नहीं, हमारे को सहूलत है, नमाज ये जा रहे, नमाज पढ़ने जाते हैं वो, उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं, सारा दिन इधर छींटे उड़ते हैं, ये कुछ मेहरबानी करो। बदीनी स्टाफ से लेके और ये बिहारी पेट्रोल तकरीबन ये 4 से 5 साल से ये मसला चल रहा है, सामने नाली भी बन रही है, गवर्नमेंट थोड़ा काम करते करते फिर रुक जाती है, कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, कुछ आगे पीछे देख रहे, हालात देखें पीछे के बैक साइड के लोग भी गिर भी रहे हैं। ये परसों यहाँ पर नाली में एक बंदा गिरा, उसकी टांग टूट गई है, बच्चे को उठा के लेके गए, 3-4 बच्चे आए दिन नालियों में गिरते रहते हैं। इधर मसले मसाइल है, गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे मसले मसाइल हल किए जाएँ, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर से, हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटर से।